Hello friends, welcome to Aptix e-class, your learning expert. मैं सोनल, your reasoning faculty. जैसा ही हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हमारी जल्द से जल्द क्लास स्टार्ट हो जाएगी SSC CGL के लिए, तो आज हमारा रीजनिंग का पहली क्लास है. पहली क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था इंट्रोडक्शन में कि हमारा पहला चैप्टर कौन सा होगा. तो पहला चैप्टर कौन सा होगा, सबको पता ही है, कोडिंग एंड डिकोडिंग हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा. अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, आपको पता है ये क्वेश्चन सिर्फ एक ही बनाएगा, इससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनेगा, लेकिन एक क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. ऐसे तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं सिर्फ जिसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन बनेगा. यदि हम ऐसे सारे चैप्टर छोड़ देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा हमें, सिर्फ एक नंबर आएंगे, वो भी बहुत कम. सो हम स्टार्ट करते हैं. अपनी पहली क्लास है हमारी कोडिंग एंड डिकोडिंग की, और ये मैंने आपको ये भी बताया था कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, इसके लिए कोई भी आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है. यूट्यूब पे फ्री होगी, एप्टिक्स ई क्लास के प्लेटफॉर्म पे हैं हम. सो इसे सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, आपको जल्द से जल्द सारी नोटिफिकेशन इसी चैनल पे मिलेगी कि कौन सी क्लास कब आ रही है. ठीक है, चलो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते, बात करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग की. कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में. कोई भी वर्ड दे दिया जाता है हमें, फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड दे दिया, जैसे करियर, कोई भी वर्ड दे दिया. ठीक है, इसे किसी फॉर्म में लिख के दे दिया आपको कि इसकी जो फॉर्म है ऐसे लिखी हुई है. इसकी ऐसे कुछ फॉर्म लिखी हुई है कि करियर को एक्स जेड आर वी वी आई में लिखा जाता है, तो ग्रो को सेम लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा. सो ग्रो को सेम लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन हमें फाइंड करने होते हैं. इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं. इस क्लास में हम इन सारे टाइप्स की बात करेंगे, उसके बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे. फिलहाल हम टाइप पे टाइप जाएंगे कि फर्स्ट टाइप ऐसा है, सेकंड ऐसा है, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, अभी हम बात करेंगे उन्हीं चीज़ों के लिए. तो पहली स्लाइड पे मूव करते हैं, पहले कुछ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में. आपको पता है कि ए टू जेड बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से सीखते आ रहे हो कि ए टू जेड क्या है. ए टू जेड क्या है, हमारी अल्फाबेटिक सीरीज है, नंबर्स है हमारे, लेटर्स हैं हमारे. ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ए वन पे आता है. ठीक है, यदि मैं आपसे ओरली पूछ लूँ कि ई किस पे आता है, तो आप कैलकुलेट करोगे ए बी सी डी ई. नहीं, पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप कैलकुलेट करने बैठो कि ई किस पे आता है, एम किस पे आता है, वी किस पे आता है. आपको क्या करना है, सिर्फ याद करना है. याद कैसे करना है, बहुत ईजी है. ई जो टी वाई, ई जे ओ टी वाई, इनके नंबर्स हैं. ठीक है, नंबर्स कैसे हैं देखिए, ई पे आता है 5, जे पे आता है 10, ओ पे आता है 15, टी पे आता है 20, वाई पे आता है 25. बहुत इजी से याद हो जाएंगे आपको ये सारी चीज़ें. क्यों, क्योंकि इससे क्या है, सिर्फ 5 की टेबल चल रही है. ई जो टी वाई पे 5 की टेबल चल रही है. यदि मैं आपसे पूछूं वी किस नंबर पे आता है, वी किस नंबर पे आएगा, यदि टी 20 पे है, उसमें यदि हम 2 प्लस कर देंगे तो वी आ जाएगा. तो वी किसके नंबर पे आ गया, 22 पे. तो वी क्या आ गया हमारा, 22 पे आ जाएगा. ठीक है, क्लियर है. आपको ऐसे सारे लेटर्स याद करने हैं कि कौन सा लेटर किस नंबर पे है, और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने में आपको लेटर्स भी याद हो जाएंगे. आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इजोटी वाय में. ठीक है, यदि मेरे साथ चलोगे, जितनी मैं प्रैक्टिस कराऊंगी उस हिसाब से आप सोचोगे, करोगे, और उसके बाद घर में जाके भी थोड़ा सा टाइम दोगे रीजनिंग को, तो वो इनफ है आपको 50 में से 50 स्कोर करने के लिए. ठीक है, बहुत बच्चों के कमेंट सुने थे कि मैम 50 में से 50 दिला दो, वो आपके ऊपर है. यहाँ पे तो मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगी, मेहनत कराऊंगी, लेकिन मेहनत आपको करनी है उसके बाद कि कैसे हम अप्रोच करें एग्जाम्स में. ठीक है, चलो बात करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेट करते हो. बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन, देखिए हमने जो ऊपर पढ़ा था ए टू जेड, वो ए टू जेड पढ़ा था. यदि मैं आपसे पूछूँ जेड टू ए में एन किस नंबर पर आता है, तो आप क्या सोचोगे, एन किस नंबर पर आएगा, मैम पीछे से काउंट करते हैं. नहीं, आपको सिर्फ याद करना है. याद कैसे करना है, अपोजिट लेटर से याद करना है आपको. ठीक है, अपोजिट लेटर्स को कैसे याद करोगे, देखो अपोजिट लेटर क्या होता है. यदि मैं ए टू जेड की बात करूं, यदि ए हमारे यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है, तो जेड यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर पे. याद कैसे करें, आपको यदि आपको ये दिख रहा है कि ए ये हमारा फर्स्ट नंबर पे है और जेड हमारा यहाँ पे 26 नंबर पे है. जेड हमारा 26 पे है, ए हमारा 1 पे, यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इन दोनों का सम कर दिया जाए, तो किस पे आ जाएगा, 27 पे आ जाएगा, 27 सम आएगा. यदि हमारे दो नंबर, दो लेटर यदि अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो उनका सम 27 होगा. ठीक है,
चलो बात करते हैं अपोजिट लेटर्स कैसे याद किए जाए। ये हमारे सारे अपोजिट लेटर्स हैं। देखिए बात करते हैं ए से जेड। ए से जेड याद करना बहुत ईजी होता है, आपको पता है स्टार्टिंग में ए है और जेड पीछे, यदि हम रिवर्स करेंगे उसे बैक करेंगे तो जेड केस पे आएगा हमारा फर्स्ट पे आएगा, तो कितना आएगा हमारा ए टू जेड, याद करने की जरूरत भी नहीं है, ए टू जेड ही रहेगा वो, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं बी और वाई। बी और वाई किसके अपोजिट होते हैं, एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो याद कैसे करेंगे बाय। जैसे आप अपने फ्रेंड से मिलते हो हाय हेलो करते हो तो उसको बाय भी करते हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना कि बाय से क्या होगा, बी और वाई एक दूसरे के अपोजिट होगा। सी और एक्स, देखिए सी और एक्स क्या है, क्रिसमस। क्रिसमस अभी गया है कुछ टाइम पहले, 25 दिसंबर को क्रिसमस गया था, तो कितना क्या कर सकते हैं क्रिसमस का एक्स और सी, सी और एक्स क्रिसमस, ठीक है। डी और डब्ल्यू, डी और डब्ल्यू को भी एक दूसरे का अपोजिट होता है, कैसे ले सकते हैं डी और डब्ल्यू, दरवाजा, दरवाजा, दिल वाले, आजकल तो बहुत चल रहा होगा ये दिल वाले, तो दिल वाले से भी कर लो। डी यहाँ पे दिल का डी, वाले का डब्लू, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है। ई वी, ई वी, ईव, ई वी में ईव याद कर सकते हो आप, ई वी, ई वी एक दूसरे के अपोजिट हो। एक दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका ये है कि आप एल ओ वी ई से भी इसे लर्न कर सकते हैं। कैसे, वी ई एक दूसरे के अपोजिट होता है, वी ई एक दूसरे के अपोजिट होता है लव में, और एल ओ एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो आपको क्या हो गया दो वर्ड्स याद हो गए अपोजिट, एल ओ और वी ई, ठीक है। बात करते हैं एफ और यू की। एफ और यू एक दूसरे का अपोजिट होता है, कैसे याद करोगे, फोर यू, फोर यू, एफ का फोर का एफ और यू का यू, फोर यू, ठीक है। जी टी, जी टी को कैसे याद करो, जी टी रोड, जी टी रोड आजकल बहुत फेमस है, जी टी रोड, जी टी करना रोड, बाईपास रोड, जहाँ पे सब आते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो हरियाणा से आते हैं तो सबको पता है जी टी रोड बहुत फेमस है, तो जी टी रोड से भी इसे याद कर सकते हो, जी टी, ठीक है। एच और एस, एच और एस से क्या याद कर सकते हो आप, हाई स्कूल, नहीं तो हिज, ऐसे भी याद कर सकते हो आप, ठीक है। एक मूवी आई थी शायद ऐसे कुछ करके, कुछ सीरियल आया था शायद में भी, सो उसको, उससे भी आप इसे याद को याद कर सकते हो, एच और एस को, ठीक है। आई और आर, आई और आर को कैसे याद करोगे, इंडियन रेलवे, बहुत बड़ा है इंडियन रेलवे, कहीं भी जाना होता है टिकट बुक करा दी भी टिकट कट गई, ठीक है, तो इंडियन रेलवे, आई और आर, ठीक है। जे और क्यू, जैक क्वीन, जैक और क्वीन, जे और क्यू से हम कैसे याद करेंगे, जैक और क्वीन, ठीक है। के पी, के पी को कैसे याद कर सकते हो, देखो कल्पल, कल्पल, या पी के मूवी भी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी भाई, पी के मूवी, ठीक है। और के और पी को कैसे याद कर सकते हो, कुर्ता पजामा, ठीक है, उससे भी याद कर सकते हो आप के पी को, ठीक है। एल और ओ का मैंने बताया था, लव से याद कर सकते हो, क्लियर है। एम और एन, एम और एन बचा, वो एक दूसरे का अपोजिट होता है, मॉर्निंग एंड नाइट, माइंड, कितने वर्ड्स हैं एम और एन को याद करने के लिए, बहुत ईजी है, आपको पता है कि एम 13 पे आता है, एन 14 पे आता है, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 27 आएगा, तो एम और एन को याद कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। आपको ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि कौन सा लेटर किस पे आता है, क्या पोजीशन होती है उनकी, अपोजिट क्या होता है, लर्न करने का तरीका क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मूव करते हैं सीधा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे कि हमारा पहला क्वेश्चन ये कौन सा टाइप बन सकता है, इन सब चीज़ों को पढ़ के कौन सा एग्जाम में टाइप बन सकता है। सारे टाइप कराए जाएंगे क्लास में, एक भी टाइप नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे किसी भी लेवल का हो, ठीक है। मेरे से एटलीस्ट ये मत कहना कि मैम ऐसा क्वेश्चन में नहीं आता, ऐसा पेपर में नहीं आता, सारे टाइप, मेरी कोशिश यही रहेगी कि एक एक क्वेश्चन एक एक टाइप में आपको यहाँ पे कराऊँ, ठीक है। चलो बात करते हैं, इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फाइट को यदि वो टी एच जी आई एफ में लिख रहा है, देखिए फाइट को यदि मैं बोर्ड पे लिख दूँ, फाइट को टी एच जी आई एफ की लैंग्वेज में लिख रहा है, तो वो टेम्पल का पूछे कि टेम्पल को उसी सेम लैंग्वेज में वो क्या बोलेगा, क्या कहलाएगा वो टेम्पल, ठीक है। देखिए अब एग्जाम्पल देखिए, देखिए इतना ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चा टाइप क्वेश्चन है, तो आप ईजिली कर लोगे इस क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन आते हैं ना 2 मार्क्स आपके पक्के हैं, ठीक है। चलो फाइट, यदि आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे मैं जहाँ पे खड़ी हूँ वहाँ पे खड़े हो, और इसको आप क्या पढ़ पा रहे हो, फर्स्ट को आप क्या पढ़ रहे हो, फाइट, एफ आई जी एस टी फाइट, यहाँ से आप फाइट पकड़,
यदि मैं इसकी कोडेड लैंग्वेज की बात करूं तो ये क्या है, टी एच जी आई एफ, यहाँ से आप पढ़ पा रहे हो इसे टी एच जी आई एफ। यदि मैं अपनी पोजीशन यहाँ से लेफ्ट से राइट आ जाऊं, ठीक है, तो मैं इसे क्या पढ़ पाऊंगी यहाँ पे, फाइट एफ आई जी एस टी। तो आपको ये बात क्लियर है इस क्वेश्चन में क्या है, कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ एक रिवर्स हो रहा है, रिवर्स हो रही है पोजीशन। कैसे, यदि फाइट स्टार्टिंग से ऐसे लिखा जा रहा है एफ आई जी एस टी, तो जो इसकी कोडेड लैंग्वेज है वो पीछे से स्टार्ट हो रही है, कैसे, टी एच जी आई एफ, ऐसे इस कोड लैंग्वेज में व्यक्त किया जा रहा है फाइट को। यदि मैं टेम्पल की बात करूं, टी ई एम पी एल ई, यदि मैं टेम्पल की बात करूं तो टेम्पल को कैसे लिखा जाएगा, यदि मैं अपने लेफ्ट पोजीशन पर खड़ी हूं तो लेफ्ट पे मैं ऐसे टेम्पल पढ़ पा रही हूं, ठीक है। यदि मैं अपनी रिवर्स कर लूं, रिवर्स करके देखूं तो यहां से मैं टेम्पल लिखूंगी इसे टी ई एम पी एल ई, यही पूछा है इसने, यही हमारी लैंग्वेज है। टेम्पल को हम सेम लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, ई एल पी एम ई टी, हमारी इसकी सेम लैंग्वेज होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो कि क्या पूछ रहा है, क्या गिवन है, उसके बाद सोचो कि क्या ट्रिक लगाई, क्या लैंग्वेज लगाई, क्या कोडिंग लगाई है इसने, वो सोचो, ठीक है। भागो मत किसी चीज के पीछे, इतना भी मत सोचना कि पेपर हाथ से चला जाए, ठीक है, लेकिन एक लिमिट में सोचो, ठीक है। पढ़ते टाइम ही सोच लो, जब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं उसी टाइम सोच लूँ, रमेश का एम ए आर एच एस सी कह रहा है तो किस वजह से कह रहा है, पेन को भी उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर ईजिली सॉल्व हो जाएगा, इतना टाइम होएगा ही नहीं आपके पास एग्जाम में, ठीक है। देखिए, रमेश को एम ए आर एच एस सी कहा जा रहा है, तो क्रिएट को क्या कहा जाएगा, रमेश पढ़िए, उसका एम ए आर एच एस सी है, तो क्या है, देखिए यदि मैं इसको नंबरिंग दे दूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे देखूँ, देखो एम यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे हो, यहाँ पे फर्स्ट पे है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये थर्ड, ठीक है। देन ए हमारा सेम पे है 2, आर हमारा यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे थर्ड है, तो यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ पे एच हमारा सिक्स्थ है, यहाँ पे फोर्थ पे है, एस हमारा सेम है, और ई क्या है हमारा लास्ट पोजीशन पे आ गया, फोर्थ से लास्ट पोजीशन पे आ गया। आपको क्लियर है, इसमें सिर्फ दो वर्ड चेंज नहीं हो रहे, ए और एस हमारे वर्ड्स चेंज नहीं हो रहे, और सब हमारे रिवर्स हो रहे हैं, जैसे फर्स्ट जा रहा है थर्ड पे, थर्ड जा रहा है फर्स्ट पे, फोर्थ जा रहा है सिक्स्थ पे, और सिक्स्थ जा रहा है हमारा फोर्थ पोजीशन पे, और बाकी की सारी जो पोजीशन है वो हमारी चेंज हो रही है। तो क्रिएट का क्या होगा, देखिए क्रिएट, क्रिएट को क्या लिखा जाएगा, दो पोजीशन सेम है, कौन सी, सेकेंड एंड फिफ्थ, तो आर और टी सेम, चेंज कौन सी हो रही है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ और सिक्स्थ चेंज हो रही है, तो देखिए फर्स्ट किससे चेंज हो रही है, थर्ड से, तो सी थर्ड नंबर पे आ गया, ई हमारा फर्स्ट पे आ गया, फोर्थ और सिक्स, सिक्स किससे चेंज हो रही है, फोर्थ से, तो कितना आ गया, ई फोर्थ नंबर पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे सिक्स नंबर पे था, ए हमारा फोर्थ पे, तो किस पे आ गया, सिक्स पे आ गया, तो आंसर क्या आ गया हमारा, ई आर सी ई टी, ई टी ए आएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने सिक्स डाल दिया है, ई टी ए आएगा, ई टी ए आएगा, कैसे, ई आर सी ई टी ए इसका आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। चलो बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सेक्टर को वो क्या कहा जा रहा है, ई एस सी टी ओ आर, देखिए सेक्टर, सेक्टर को वो क्या कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन, ई एस सी टी ओ आर, अभी तो सिर्फ टाइप हो रहा है, बहुत इजी है ये तो टाइप, जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जब बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन सारे कंसेप्ट आपके माइंड में होने चाहिए कि मैम ने कौन सा टाइप कराया था, कौन सा टाइप, हो सकता है मैं दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा जो जिसमें दो टाइप मिक्स हो रहे हो, या आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है, क्लियर है। चलो बात करते हैं सेक्टर, देखिए सी टी ओ आर बिल्कुल सेम है, सी टी ओ आर बिल्कुल सेम है, इसमें हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, हमें जहाँ चेंज हो रहा है वहाँ कहाँ हो रहा है, एस ओ ई में, क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, क्या हो रहा है हमारा, रिवर्स हो रहा है, कैसे, ई हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आगे, एस हमारा सेकंड पोजीशन पे आगे, और बाकी का जितना भी है हमारा सी टी ओ आर बिल्कुल सेम है, तो इसी में ही हमारा थ्रेट टी एच आर ई ए टी को क्या लिखेंगे, आर ई ए टी हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि वहाँ पे भी हमारा सी टी ओ आर सेम है,
तो क्या आएगा R E A T, बिल्कुल सेम है. चेंज कहाँ है हमारा T और H में, क्या आएगा H फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा सेकंड से उठ के और T फर्स्ट से उठ के सेकंड पोजीशन पे आएगा. तो क्या आएगा H T R E A T इसका हमारा आंसर होगा. क्लियर है. चलो बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्पार्क इज रिटन एज, देखिए स्पार्क को टी क्यू बी एस एल के फॉर्म में लिखा जाता है, तो अंकल को क्या लिखा जाएगा. ठीक है, हमें ये क्वेश्चन देखा. देखिए स्पार्क, स्पार्क एस से टी जा रहा है, एस से टी जा रहा है तो कितने कदम आगे जा रहा है, एक कदम आगे बढ़ रहा है. पी से क्यू जा रहा है तो कितने कदम आगे बढ़ रहा है, एक कदम आगे बढ़ रहा है. ए से बी जा रहा है तो कितने कदम, एक कदम ए और बी. आर से एस, आर एस एक कदम. के एल एक कदम आगे बढ़ रहा है. आपको पता चल रहा है स्पार्क से जब वो टी क्यू बी एस एल के फॉर्म में लिखा जाता है तो सिर्फ एक जो उसकी पोजीशन है वो एक आगे हो रही है. यदि एस है तो टी हो रहा है, ठीक है. बी है तो सी हो रहा है, के है तो क्या होगा एल हो रहा है. ठीक है, क्लियर है. तो अंकल का क्या लिखा जाएगा, अंकल को कैसे लिखेंगे हम, एक एक कदम इसका भी हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि सेम लैंग्वेज में बोला है, सेम लैंग्वेज में बोला है. तो क्या होगा U है वो एक कदम आगे बढ़ेगा, तो कितना आएगा U V N O C D L M E F. तो अंकल को क्या लिखा जाएगा V O D M F के फॉर्म में अंकल को हम लिखेंगे. क्लियर है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, वो रिवर्स पूछ लेगा, ठीक है, फॉरवर्ड पोजीशन पूछ लेगा, बैकवर्ड पोजीशन पूछेगा कि कितने नंबर आगे जा रहा है, कितने लेटर और कितने लेटर पीछे आ रहा है. एडिंग पूछ लेगा, बहुत सारे टाइप्स होते हैं. डिपेंड करता है कि वो क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और आपको आता है या नहीं आता है. इसलिए हम सारे ही टाइप्स आपको करा रहे हैं एग्जाम के लिए, जो एग्जाम में पॉसिबल है क्वेश्चन आने के लिए. ठीक है, एक भी टाइप मैं नहीं छोड़ूंगी कि मैं आपसे कह दूं कि नहीं छोड़ के चले जाओ, नहीं आएगा, नहीं, सब ही आएगा एग्जाम में. ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा. नेक्स्ट करते हैं हम, इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज शोर एस एच ओ आर ई को क्यू एफ एम पी सी लिखा जाता है तो ग्लोब को क्या लिखा जाएगा. ठीक है, अब देखिए शोर को, देखिए एस से क्यू जा रहा है, एस से क्यू जा रहा है तो कितने कदम वो पीछे जा रहा है, क्योंकि आपको पता है एस के पहले क्यू आ जाता है, एस आर क्यू, तो कितने कदम पीछे गया, दो कदम पीछे गया, तो कितना आ गया दो कदम वो पीछे आया. उसके बाद क्या H से F जा रहा है, H से F जा रहा है तो कितना है H G F, मतलब G और F दो कदम वो पीछे जा रहा है तो कितना आ गया हमारा दो कदम पीछे जाने पे F. O से M जा रहा है तो कितना आ गया N और M, अगेन दो कदम पीछे आया वो. ठीक है, R, R से P जा रहा है तो क्या आएगा Q और P, R के बाद Q एंड P, तो P क्या आ रहा है हमारा दो कदम पीछे आया जब भी वो हमारा P आया है. E, E के लिए हम दो कदम पीछे चलेंगे तो कितना आएगा D और C, तो कितना आ गया हमारा C. तो शोर को S H O R E को Q F M P C लिखा जाता है तो ग्लोब को क्या लिखा जाएगा. तो सेम, यदि यहाँ से हमारे सारे दो कदम पीछे चल रहे हैं तो ग्लोब के भी दो कदम पीछे चला दीजिए. ठीक है, चलिए G दो कदम पीछे, कितना आएगा F और E, F और E. ठीक है, L के दो कदम पीछे K और J, तो कितना आ गया J. O के दो कदम पीछे N और M, तो M आ गया. B के दो कदम पीछे चलाओ, एक तो A आया, A के बाद क्या आएगा, यदि हम रिवर्स करेंगे तो A के बाद क्या आएगा Z आएगा, तो Z आएगा हमारा. E, E के बाद क्या आएगा D और C, तो क्या आ गया हमारा C. तो ग्लोब को उसी कोड लैंग्वेज में E J M Z C लिखा जाएगा. क्लियर है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पंक्चुअल को के एफ एम एक्स जे एफ जेड ओ लिखा जाता है, देखिए पंक्चुअल को के
एफ एम एक्स जी एफ जेडो लिखा जाता है, तो नेचुरल को क्या लिखा जाएगा? यदि आपने थोड़ी देर पहले मेरी क्लास को अच्छे से देखा होगा तो मैंने आपको अपोजिट लेटर बताए थे, ये सिर्फ बस अपोजिट लेटर्स का खेल है, ठीक है? कैसे, देखिए, पी के कल्पल पी के, ठीक है, यू एफ फोर यू, एन एम मॉर्निंग नाइट, सी एक्स क्रिसमस, टी जी जी टी, ठीक है, एफ यू अगेन फोर यू, ए जेड ए टू जेड, एल और ओ, एल ओ और वी ई, दोनों मैंने एक दूसरे के अपोजिट बताए थे। बहुत ईजी है, क्या है, यदि पंक्चुअल को अपोजिट लेटर्स में के एफ एम एक्स जेड जी एफ जेड ओ कहा जाता है तो नेचुरल को क्या कहा जाएगा? इसके अपोजिट कर लीजिए, देखिए एन का अपोजिट एम मॉर्निंग नाइट, ए के अपोजिट ए टू जेड, टी का जी टी, यू का एफ यू फोर यू, आर का आई आर इंडियन रेलवे, ए का जेड ए टू जेड, एल का ओ, तो कितना आ गया? नेचुरल को एम जेड जी एफ आई जेड ओ के फॉर्म में लिखा जाएगा। यदि हम उसको अपोजिट करें नेचुरल को तो क्या लिखा जाएगा? एम जेड जी एफ आई जेड ओ के फॉर्म में लिखा जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पेंटर इज रिटन एज के जेड आर पेंटर, पी ए आई टी ई आर, ठीक है, क्या है, के जेड आर एम जी वी आई। देखिए पेंटर को देखते हैं, आपको समझ में आ रहा है कि जो इसकी कोडेड लैंग्वेज यूज की गई है वो क्या की गई है? अपोजिट की गई है, अपोजिट है ये एक दूसरे के। कैसे? कल्पल ए टू जेड, इंडियन रेलवे, मॉर्निंग नाइट, जी टी, ई वी लव, ईव ई वी ई, आई आर इंडियन रेलवे अगेन। तो आपको पता चल रहा है कि पेंटर को अपोजिट में इस लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो किसके लिए बात पूछा? एप्ट्रिक्स। चलो YouTube चैनल एप्ट्रिक्स को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलो एप्ट्रिक्स की बात करते हैं हम। एप्ट्रिक्स, एप्ट्रिक्स को क्या लिखा जाएगा? A का अपोजिट क्या है? Z। P का अपोजिट क्या है? K। कल्पल। T का G, G T, G T, ठीक है, R का इंडियन रेलवे, ठीक है, X का C, क्रिसमस। तो एप्ट्रिक्स का अपोजिट क्या हुआ? J, Z, K, डबल G, I, R, C इसका अपोजिट होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसे क्लियर कर देते हैं सबसे पहले, तो रफ कर देते हैं। सिक्स, सिक्स को आर टी एच जे डब्लू वाई के फॉर्म में लिखा जाता है तो नील को किस लैंग्वेज में लिखा जाएगा? देखिए यदि मैं सिक्स की बात करूं तो यहाँ पे एस है और यहाँ पे आर टी है। S और RT, मतलब S का एक आगे और एक पीछे वाला हमने वर्ड ले रखा है, इसे ऐसी लैंग्वेज में लिखा गया है जो इसके एक वर्ड आगे और एक वर्ड पीछे है। जैसे S है तो S के एक आगे क्या है? R, और एक पीछे क्या है? T, तो क्या आ गया हमारा? RT। I है, I की बात करते हैं, I से एक आगे क्या है? H, और एक पीछे क्या है? J, तो एच जे ले लिया। X के एक आगे क्या है? W, और एक आगे क्या, एक पीछे क्या है? Y, तो कितना आगे? डब्ल्यू वाई। क्लियर है? कैसे लिया गया? एक आगे का वर्ड ले रखा है, एक लेटर ले रखा है, एक पीछे का लेटर ले रखा है, तो उससे हमें कोड लैंग्वेज में एक वर्ड दे दिया हमें सिक्स को, यदि आर टी एच जे डब्ल्यू वाई कहा गया है तो नील को क्या कहा जाएगा? देखिए नील, एन, एन का एक वर्ड आगे क्या है? एम, और एक पीछे ओ। आई का एक वर्ड आगे क्या है? एच, और एक पीछे जे, ठीक है। एक एल से आगे वर्ड क्या है? के, और एक पीछे क्या है? एम। तो नील को एम ओ एच जे के एम की फॉर्म में लिखा जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, मूव करते हैं। देखिए यदि टॉप को, टॉप को ओ क्यू एन पी एस यू लिखा जाता है तो राम को इसी कोड लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में देखिए टॉप लिखा हुआ है, तो अब देखिए कैसे लिखोगे आप इसको? ओ क्यू एन पी एस यू, यदि आप टी की बात करो, यहाँ पे तो ओ है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे तीन लेटर हो, यहाँ पे छह लेटर है, इसका मतलब क्या है? पहले वाला सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, पहला वाला तो सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, लेकिन क्या है? टी के बाद यहाँ पे ओ क्यू दे रखे, ओ क्यू तो नहीं आता क्योंकि टी से पहले आता है एस और उसके बाद आता है यू। आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको एस यू दिख रहा है,
आपको यहाँ पे एस यू दिख रहा है, तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मतलब टी यहाँ पे है और उसके एक वर्ड आगे वाला और एक वर्ड पीछे वाला हमारे लास्ट में है, एस और यू। एन पी की बात करते हैं तो एन क्या है यहाँ पे ओ, एक वर्ड आगे क्या है ओ के एन आता है और एक वर्ड पीछे क्या आता है पी, तो कितना आ गया एन पी। ठीक है, अब बात करते हैं ओ क्यू की, ओ क्यू क्या है पी, कैसे पी के एक आगे आता है ओ और एक पीछे आता है क्यू, तो क्या आ गया हमारा टॉप का क्या बनेगा ओ क्यू एन पी एस यू, क्योंकि वो हमारा टॉप एक रिवर्स पोजीशन में बना रहा है, वो हमारा टॉप एक रिवर्स पोजीशन में बना रहा है। ठीक है, राम को कैसे लिखेंगे, अब बात करते हैं एम। ठीक है, एम का क्या आता है एक आगे क्या आता है एल, तो एल लिख दिया, एक पीछे क्या आता है एन, ए का एक आगे क्या आता है जेड और उसके पीछे क्या आता है बी, आर के एक आगे क्या आता है हमारा क्यू उसके पीछे क्या आता है एस, तो राम को एल एन जेड बी क्यू एस की फॉर्म में लिखा जाएगा। क्लियर है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ इन अ कोड लैंग्वेज रमन इज रिटन एज 47। देखिए जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि रमन इज 47, आपको पता है कि 47 कब आएगा, इसका सम करोगे, सम करके या कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे, कुछ मल्टीप्लिकेशन करोगे, कुछ डिवाइड करोगे, जब भी वो 47 आएगा कैसे आएगा वो 47, इस सब के आपको अल्फाबेटिक जो लेटर्स हैं उनके नंबर्स याद होने चाहिए, नंबर जो मैंने आपको बताए थे ई जो टी वाई से याद करने हैं, आपने याद कर लिए होंगे मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि 5-10 मिनट पहले ही तो मैंने वो स्टार्ट कराया है अभी। ठीक है, रमन आर, आर कौन से उस पे आता है नंबर्स पे आता है, ओ 15 पे, पी 16 पे, 17 पे, क्यू और आर किस पे आता है हमारा 18 पे, 1 एम 13, फिर 1 फिर प्लस एन 14, यदि आप इन सबको प्लस करोगे तो क्या आएगा, चलो देखते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 4, 17, 1, 2, 3, 4, तो कितना आ गया हमारा 47। यदि आप 18 + 1 + 13 + 1 + 14 को आप प्लस करोगे तो कितना आएगा 47 आएगा। क्लियर है, तो इसने क्या कहा है कि भाई को क्या कहा जाएगा, भाई को उसी लैंग्वेज में क्या कहा जाएगा, देखिए बी 2H 8 1I 9 कितना है 8, 9, 10, 19 और 1, 20, तो भाई को 20 कहा जाएगा, मतलब उसे जो उसकी एडिंग होगी उन लेटर्स के नंबर्स की जो ऐड होगा उस वो आएगा हमारा 20। क्लियर है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्लोसरी को क्या कहा जाता है, देखिए ग्लोसरी 8, 7, 5, 3, 5, 6, 2 कहा जाता है। ठीक है, एंड ज्योग्राफी को, ज्योग्राफी को क्या कहा जाता है 8, 1, 5, 8, 1, 5, 8, 6, 9, 4, 0, 2 कहा जाता है। तो जियोलॉजी को क्या कहा जाएगा, इसमें क्या दे रखा है, हमें दो वर्ड दे रखे हैं, उनका कुछ कोडेड लैंग्वेज दे रखी है और थर्ड वर्ड को देख के क्या पूछ रहा है कि जियोलॉजी को क्या कहा जाता है, उसे किस कोड में लिखा जाएगा जियोलॉजी को। क्लियर है, चलिए बात करते हैं ग्लोसरी की, बात करते हैं ग्लोसरी की क्या बात करेंगे, देखिए जी 8 पे है, हम ज्योग्राफी को चेक करें तो क्या है जी 8 पे, हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, यदि जी इसमें 8 पे है, जी इसमें 8 पे है, तो जियोलॉजी में जो जी होगा वो भी हमारा 8 पे होगा। ठीक है, कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं दोनों को, ग्लोसरी और जियोग्राफी को कंपेयर करेंगे, जो इन दोनों के कॉमन वर्ड्स होंगे उन्हें देखेंगे क्या वो भी कॉमन है, उसके नंबर्स भी हमारे कॉमन होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एल की। ठीक है, एल है 7 है, एल 7 है, यहाँ पे आसपास एल नहीं है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एल है, तो एल क्या आएगा हमारा यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, ओ, ओ हमारा 5 है, देखिए ओ हमारा 5 है, यहाँ पे भी हमारा ओ 5 है, यहाँ पे भी हमारा ओ 5 है, तो वहाँ पे भी जो ओ होगा वो हमारा क्या होगा 5 होगा। क्लियर है, चलिए एस यहाँ पे हमारा 3 है, एस हमारा यहाँ पे 3 है,
आगे क्या हमारा एस है? नहीं है, तो बात खत्म हो जाती है, इसकी कहानी यहीं पे खत्म। ठीक है, चलो आर, आर यहाँ पे हमारा 6 है, आर हमारा है कहीं और, बिल्कुल ज्योग्राफी में आर है, तो आर हमारा यहाँ पे भी 6 है। जियोलॉजी में आर है? नहीं है, तो इसकी भी कहानी हम यहीं पे खत्म कर देते हैं। ठीक है, चलो वाई की बात करते हैं। यहाँ पे वाई हमारा 2 है, ज्योग्राफी में भी हमारा वाई यहाँ पे 2 है, तो जियोलॉजी में वाई क्या आ गया हमारा? 2 आ गया। क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे ई। ई क्या है हमारा? 1 पे है। ई हमारा 1 पे है, तो यहाँ पे भी क्या आ गया हमारा? ई हमारा 1 पे आ गया है। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे? जी। जी किस पे है? जी है हमारा 8 पे। जी हमारा 8 पे है, तो अब वो तो हमने पहले ही बता दिया, तो यहाँ पे भी हमारा जी क्या हो गया? 8 पे हो गया। और हमने ओ भी बताया था, ओ किस पे है? 5 पे है। तो कितना आ गया? जियोलॉजी को क्या कहा जाएगा? 815-7582 की फॉर्म में लिखा जाएगा। क्लियर है? लेकिन इसको हम बहुत शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। कैसे? ये तो मैंने एक्सप्लेन कर रहा था, अब आपको बताते हैं इसका शॉर्टकट तरीका। हमें कुछ नहीं करना, जब हमें ऐसा क्वेश्चन दिखे, और आप बस एक बार चेक कर लो, कंपेयर कर लो कि जी यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी जी हमारा 8 है, यहाँ पे भी हमारा जी 8 है। इसका मतलब कंपेरिजन कोडिंग एंड डिकोडिंग है। जब कंपेरिजन कोडिंग एंड डिकोडिंग होता है, तो सिर्फ हम क्या करते हैं, हमने जियोलॉजी उठाया, ठीक है, सिर्फ जियोलॉजी जो हमसे पूछा गया, हम उसकी ही बात करेंगे, सिर्फ वो उठाया, अलग से लिख दिया जियोलॉजी। अब देखो जी कहाँ पे है? इसमें है, 8 पे है, तो डायरेक्ट 8 लिख दिया, कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है फालतू की। ई, ई कहाँ पे है? यहाँ पे, तो 1 लिख दिया। ओ कहाँ पे? यहाँ पे 5 है, तो 5 लिख दिया। एल कहाँ पे? एल है हमारा ग्लोसरी में, तो कितना है? 7 है, तो 7 लिख दिया। ओ अभी हमें पता चला था यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। और जी हमें पता है कि 8 है, तो 8 लिख दिया। वाई क्या है? वाई 2 है, तो 2 लिख दिया। तो कितना आएगा? 815-7582 उसी कोड लैंग्वेज में जियोलॉजी को लिखा जाएगा। क्लियर है? चलो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसी हमारी स्लाइड में? इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बास्केट को $5, 3% और 1 की फॉर्म में लिखा जाता है, तो ट्राइड को TRIED को 1, 4, * और 2 की फॉर्म में लिखा गया है, तो किसको पूछा गया है? स्कर्ट को, SKIRT को किस लैंग्वेज में लिखा जाएगा? कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करेंगे? देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? टी कॉमन है, यहाँ पे भी टी कॉमन है। टी का यहाँ पे कोड लैंग्वेज क्या है? 1। यहाँ पे कोड लैंग्वेज क्या है? 1। आपको पता है कि कंपैरिजन हो रहा है, वहाँ पे यदि टी 1 है, तो यहाँ पे भी हमारे ट्राइड में टी 1 है, तो हमें भी क्या करना है? स्कर्ट, टी क्या है? कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या आ गया यहाँ पे? 1 आ गया। इसे 1 की लैंग्वेज में लिखा जाएगा। अब बात करेंगे सिर्फ स्कर्ट की, हमें कोई कंपेयर नहीं करना, एक एक को, एक एक वर्ड को, एक एक लेटर को हमें चेक नहीं करना है। हम क्या करेंगे? सीधा एस पे जाएंगे। एस क्या है? एस कहाँ पे है? बास्केट में एस है, वो भी 3rd नंबर पे, तो 3rd उस पे है, तो क्या आ रहा है हमारा? 3 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। के कहाँ पे है? बास्केट में है, 4th नंबर पे, तो 4th पे क्या है? परसेंटेज है, तो परसेंटेज लिख देंगे। आई कहाँ पे है? आई कहाँ पे हमारा? ट्राइड में है, 3rd लेटर पे, तो कितना है? स्टार की पोजीशन आए, तो स्टार कर देंगे। ठीक है, आर, आर कहाँ पे है? ट्राइड में है, तो कितना आएगा? 4 आएगा। आर किसके नीचे है? ऊपर है, 4 के ऊपर है, तो 4 आएगा। तो कितना आएगा? 3% * 4, 1 स्कर्ट को इसी लैंग्वेज में लिखा जाएगा। क्लियर है? चलो मूव करते हैं हमारी सेकंड स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी? देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत इजी है। नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो रहे हैं, टाइप पे टाइप स्टार्ट हो रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि एक ऐसा भी क्वेश्चन नहीं है कि जिसको मैंने टाइप आपको ना कराई हो, सारी टाइप मैं आपको करा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो। इफ़ हिंदी इज कॉल्ड इंग्लिश, इंग्लिश इज कॉल्ड उर्दू, उर्दू इज कॉल्ड हिस्ट्री, हिस्ट्री इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड जियोलॉजी। ठीक है, मतलब क्या है इसका? हिंदी में मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। यदि हिंदी को इंग्लिश, इंग्लिश को उर्दू, उर्दू को हिस्ट्री, हिस्ट्री को इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स को जियोलॉजी कहा जाता है, तो देन इन विच सब्जेक्ट, क्वेश्चन क्या है? देन इन विच सब्जेक्ट वी रीड द स्टोरी ऑफ मुगल किंग शाहजहान। मतलब कहा जाता है, तो फिर हम किस विषय में
मुगल राजा शाहजहां की कहानी पढ़ते हैं, ये बताइए राजा शाहजहां किस में पढ़ते, किसकी कहानियाँ सुनते थे, किस में पढ़ते थे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हिस्ट्री इतिहास में पढ़ते थे हम, इतिहास मतलब हिस्ट्री में हम मुगल राजा शाहजहां की स्टोरी पढ़ते थे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर हिस्ट्री आएगा, लेकिन लेकिन इसने क्या कहा है, हिंदी इज कॉल्ड इंग्लिश, मतलब हिंदी को इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है, इंग्लिश को उर्दू बोली जाती है, उर्दू को क्या बोला जाता है, हिस्ट्री बोली जाती है, हिस्ट्री को इकोनॉमिक्स बोली जाती है, और इकोनॉमिक्स को जियोलॉजी बोली जाती है, यही क्वेश्चन ज्योग्राफी है, जियोलॉजी जियोलॉजी बोली जाती है। तो मुगल राजा शाहजहां की स्टोरी हम कहाँ पढ़ते थे, हिस्ट्री में पढ़ते थे, और यहाँ पे हिस्ट्री किसको बोली जा रही है, इकोनॉमिक्स को, हिस्ट्री किसको बोली जा रही है, इकोनॉमिक्स को, तो इसका आंसर आएगा हमारा इकोनॉमिक्स। ऐसे क्वेश्चन में जो हमारा किसी वर्ड को नाम दिया जा रहा है या कॉल किया जा रहा है तो वो ही हमारा वर्ड होगा। हम मुगल जो स्टोरी पढ़ते थे वो हिस्ट्री में पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री किसको कहा जा रहा है, इकोनॉमिक्स को कहा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इकोनॉमिक्स। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आंसर पता होता है, लेकिन बस आपको ये देखना है, यदि क्वेश्चन में कुछ भी पूछे जाए आपको बस चेक करना है कि हिस्ट्री किसे कहा जा रहा है, इकोनॉमिक्स को हिस्ट्री कहा जा रहा है, मतलब सॉरी हिस्ट्री को इकोनॉमिक्स कहा जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़े, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी टाइप है ये तो। चलो, इफ ऑरेंज इज कॉल्ड बटर, बटर इज कॉल्ड सोप, सोप इज कॉल्ड इंक, इंक इज कॉल्ड हनी, हनी इज कॉल्ड मैंगो। यदि ऑरेंज को बटर, बटर को सोप, सोप को इंक एंड इंक को हनी कहा जाता है और हनी को मैंगो कहा जाता है, तो क्वेश्चन क्या पूछे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, फिर निम्नलिखित में से किसका उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है, किसका, सर्फ का, यहाँ पे सर्फ है ही नहीं, क्या दे रखा है, सोप दे रखा है, साबुन दे रखी है, तो सोप का यूज हम कपड़े धोने में करते हैं, यहाँ पे सोप को क्या कहा जा रहा है, अब ये देखेंगे हम। देखिए, ऑरेंज को बटर कहा जाता है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पेपर में क्या करना है आपको, सोप, आपको पता है कि कपड़े धोने के लिए क्या यूज होता है, सोप, सोप को कहा जा रहा है, सीधा ढूंढो, सोप इज कॉल्ड इंक, तो इंक इसका आंसर होगा, ठीक है, पेपर में एग्जाम में बस ये आपको फॉलो करना है। देखिए, ऑरेंज को बटर, बटर को सोप, सोप को इंक, इंक को हनी, हनी को मैंगो कहा जाता है, ठीक है। तो कपड़े धोने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, साबुन का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे साबुन किसको कहा जा रहा है, इंक को कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इंक होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ सर्टीन कोड लैंग्वेज 534 मीन्स गुड एंड टेस्टी। देखिए, यदि मैं यहाँ पे लिख दूँ 534 गुड एंड टेस्टी, ठीक है, देन 478 को क्या कहा जाता है, सी गुड पिक्चर, ये कहा जाता है, क्लियर है। देन उसके बाद इसने क्या बोला है, 729 को क्या कहा जाता है, पिक्चर्स आर फेंट, पिक्चर्स आर फेंट, ये कहा जाता है, ठीक है। तो कौन सा अंक पिक्चर्स के लिए है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग डिज स्टैंड फॉर पिक्चर्स, पिक्चर्स का कोड जानना है हमें, पिक्चर्स का कोड कैसे जानेंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं इस, ये टाइप बहुत इजी है कोडिंग एंड डिकोडिंग के। देखिए, यदि मैं फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट की बात करूं तो इसमें से दोनों में से कॉमन चीज क्या आ रही है, गुड कॉमन आ रहा है, देखिए गुड यहाँ पे भी है, गुड यहाँ पे भी है, तो इसका एक वर्ड भी कॉमन होगा, इसमें वर्ड क्या कॉमन होगा, एक लेटर भी कॉमन होगा, एक नंबर भी कॉमन होगा, नंबर क्या कॉमन होगा, यदि गुड यहाँ पे भी है, गुड यहाँ पे भी, और कोई कॉमन है ही नहीं, तो क्या नंबर कॉमन होगा, देखिए 534 478, तो 4 हमारा कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब आपको क्लियर है कि गुड को 4 कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गुड को 4 कहा जाता है, ठीक है। बात करते हैं हम, यदि मैं सेकेंड और थर्ड की बात करूँ,
सेकंड और थर्ड की बात करूं, इसमें हमारा पिक्चर आ रहा है, पिक्चर जो हमारे पूछा गया है एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है पिक्चर के बारे में, तो हमारा पिक्चर आ रहा है, पिक्चर आ रहा है इसमें, इन दोनों में तो इन दोनों में पिक्चर आ रहा है, तो क्या आएगा इसमें कॉमन, क्या आएगा इसमें और इसमें कॉमन क्या आएगा, 478 और 729 कॉमन क्या है, 7 कॉमन है, तो क्या आएगा हमारा पिक्चर का जो हमारा कॉवर्ड होगा, जो नंबर होगा वो होगा 7, तो इसका मतलब क्लियर है जो हमारा पिक्चर है वो है हमारा 7, ठीक है, इसका आंसर 7 होगा हमारा, क्लियर है। सिर्फ कंपेयर करना है, देखना है दो स्टेटमेंट को, देखिए कि कॉमन वर्ड कौन सा है, कॉमन वर्ड गुड है, तो गुड में यदि दूसरा भी हमारी स्टेटमेंट में गुड कॉमन वर्ड है तो दोनों में कॉमन क्या है, उससे हमें कंपेयर करना है, उसी से हमारा आंसर फाइंड होगा। जैसे सेकंड और थर्ड में पिक्चर था जो हमें पूछा गया था पेपर उसमें एक क्वेश्चन में, तो उसका क्या आएगा, दोनों में कॉमन क्या था 7, तो उसका आंसर क्या आएगा हमारा 7 होगा, क्लियर है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्लियर कर देते हैं इसे। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डोम SUT और टाको ब्रिंग हॉट फूड कहा जाता है, ब्रिंग हॉट फूड कहा जाता है, ठीक है, SUT TIR एंड SOP को क्या कहा जाता है, फूड इज गुड कहा जाता है, ठीक है, देन TAKDASOP को गुड ब्राइट बॉय कहा जाता है, क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज मीन फूड इन दैट लैंग्वेज, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा अंक फूड के लिए है, मतलब अंक मतलब अक्षर, अक्षर फूड के लिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज मीन फूड इन दैट लैंग्वेज, मतलब फूड को क्या डिनोट कर रहा है, फूड का वर्ड क्या है, हमें ये फाइंड करना है। अब देखिए फूड कहाँ कॉमन आ रहा है, फूड एक हमारा फर्स्ट में कॉमन आ रहा है, एक सेकेंड में कॉमन आ रहा है, इन दो स्टेटमेंट में कॉमन आ रहा है, इन दो स्टेटमेंट में और कुछ कॉमन है, ब्रिंग हॉट इज गुड, मतलब इन दोनों में और कोई कॉमन वर्ड है नहीं हमारा, सिर्फ फूड के अलावा, तो इजीली हम फूड को फाइंड कर सकते हैं कि इसका अक्षर क्या होगा, इसका वर्ड क्या निकलेगा, देखिए फूड 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 डॉम सोटा एंड SUT TIR SOP में क्या कॉमन आ रहा है, SUT और SUT दोनों स्टेटमेंट में हमारा कॉमन आ रहा है, तो हमें क्लियर है कि जो फूड का जो आंसर होगा वो होगा हमारा SUT, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा SUT। यदि किसी से भी पूछ लिया जाए कि गुड का पूछ लिया जाए कि गुड का कॉमन वर्ड क्या है, तो आपको सेकेंड या थर्ड स्टेटमेंट से आपको देखने को मिल जाएगी गुड का कॉमन वर्ड क्या है, क्लियर है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चलो भाई अब आगे हमारे पास कंडीशनल कोडिंग आ गई, कंडीशनल कोडिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, समझाती हूँ, बहुत ईजी होता है, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, हमें कुछ डिजिट दे देंगे या कुछ कोड देंगे, डिजिट की जगह हमें लेटर भी दे सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। यदि हम डिजिट की बात करें, हमें दे रखा है 5843629071 और कुछ कोड दे रखे हैं उसके, हमें कंडीशंस दे रखी है, कंडीशन क्या दे रखे उसे ध्यान से पढ़ना बस। इफ द फर्स्ट एज वेल एज द लास्ट डिजिट इज इवन, यदि पहला और अंतिम जो पद है वो हमारा सम हो, सम कौन कौन से होते हैं 2, 4, ठीक है, ये होते हैं हमारे सम, ठीक है, देयर कोड्स आर टू बी स्वैप्ड, तो उनके कोड अदला बदली कर दें, यदि हमारे फर्स्ट और लास्ट डिजिट सम है इवन है तो उनके दोनों कोड स्वैप्ड कर दो, अदला बदली कर दो, लास्ट डिजिट और पहले डिजिट के कोड अदला बदली कर दो, देखते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ द फर्स्ट एज वेल एज द लास्ट डिजिट इज ओड, यदि पहला और अंतिम पद विषम है तो बोथ आर टू बी कोडेड एज साइन, इस साइन से हमें डिनोट करना है, यदि तो दोनों को आर के रूप में कोडित किया जाए, मतलब कोड है ये हमारा, ठीक है, हमें इसे कैसे निकालेंगे, यदि दोनों हमारे पहला और अंतिम पद ओड हो, विषम हो,
तो उसे कौन से कोड में लिखना है, आर के, इस साइन के लैंग्वेज में उसे हमें फाइंड करना है. इफ जीरो इज द लास्ट डिजिट, यदि जीरो हमारा अंतिम पद है, तो इट इज टू बी कोडेड एज डॉलर, तो उसे डॉलर के रूप में कोड किया जाए. यदि जीरो हमारा लास्ट पद है तो उसे डॉलर के रूप में कोड किया जाए. ये हमारे तीन कंडीशन दे रखे हैं. अब हमें क्वेश्चन पे जाना है कि क्या क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है, 362079, 362079, 3 और 9 क्या है हमारे, ओड है दोनों नंबर, पहला और आखिरी हमारा ओड है. तो क्या कंडीशन लगेगी इसमें, कंडीशन क्या लगेगी, देखिए, इफ द फर्स्ट एज वेल एज द लास्ट डिजिट इज ओड, यदि पहला और अंतिम पर ओड है तो हमें उसे क्या, किससे डिनोट करना है, क्या कोड आना चाहिए हमारा, उसका एक साइन आना चाहिए. ठीक है, ये साइन हमारा उसमें दिखना चाहिए, मतलब पहले और अंतिम पद को हमें ये कोड दे देना है. अब चेक करते हैं कि किस में ये हमारे दोनों कोड हैं. देखिए ऑप्शन से जाते हैं, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि ये 9 है ये 3 है. हमें बस इसमें चेक करना है, बाकी के सेम हमारे डिजिट होने चाहिए. बाकी के क्या होने चाहिए, हमारे सेम नंबर होने, सेम कोड होना चाहिए, सारे डिजिट के सेम कोड होने चाहिए जो हमें ऊपर दे रखे हैं. क्लियर है, चलिए 3 और 9 क्या आएगा हमारा, ये गलत हो गया क्योंकि 9 पे हमारा एट द रेट का सिंबल दे रखा है, लेकिन हमें सिंबल कौन सा यूज़ करना है, ये वाला सिंबल यूज़ करना है. नेक्स्ट दोनों, दोनों के हमें बिल्कुल सेम दे रखे हैं. देखिए 362079 क्या है, 3 पे हमारा कौन सा आना चाहिए, ये आना चाहिए, और 9 पे ये आना चाहिए. ठीक है, अब 6207 पे बिल्कुल सेम रहेंगे, तो उठा लो भाई डायरेक्ट 6H2Q0 पे L7 पे परसेंटेज. अब देख लीजिए आप ऑप्शन से देख लीजिए, क्योंकि दो हमें दे रखे हैं, एक इसमें और एक में, जिसमें 3 और 9 पे दोनों सेम हमारे कोड लैंग्वेज दे रखे हैं, तो हम ऑप्शन से चेक नहीं कर सकते. वैसे ऑप्शन से इजी तो हमारा ये है कि हमने फटाफट इसे सॉल्व कर लिया, सिर्फ हमें किसके कोड चेंज करने, 3 और 9 के, बाकी के तो सब सेम ही हैं. ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे सेम कंडीशन है, क्वेश्चन अलग है. क्वेश्चन क्या है, 436902, इसमें क्या है, लास्ट और पहला क्या है, इवन है, इवन है, तो क्या आएगा, स्वैप्ड कर देंगे उन दोनों के कोड, स्वैप्ड कर देंगे. अब देखिए 4 का कोड क्या है, स्टार है, तो 4 का कोड स्टार है तो 2 में आ जाएगा, क्योंकि स्वैप करना, अदला बदली करने दोनों के कोड. 2 का कोड क्या है, क्यू है, तो यहाँ पे क्यू आएगा, बाकी के सेम कोड रहेंगे. कैसे, 3H6H9@0L, तो कितना आएगा, Q#H@L*, ये हमारा इसका आंसर होगा. क्या आंसर है इसका, थर्ड पे इसका आंसर होगा हमारा. क्लियर है, चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम कंडीशन है, सेम सब कुछ है, डिजिट भी सेम है, कोड भी सेम है, चेंज क्या है, सिर्फ क्वेश्चन चेंज है. क्वेश्चन क्या है, 836970, ये हमारा क्वेश्चन है. चेक करते हैं क्या बोला इसने, कहा है कि इफ अंतिम पद इज जीरो, मतलब लास्ट डिजिट इज जीरो, लास्ट डिजिट क्या है, जीरो है इसमें, तो कोड को क्या लिखा जाए, एक डॉलर का साइन बना जाए, जीरो की जगह जो जीरो का कोड था उसे चेंज करके यहाँ पे डॉलर बना दिया जाए, बाकी के सारे सेम होंगे. कैसे, 8 पे क्या है, 8 पे है जे, 3H6H9@7% ये इसका आंसर होगा. क्लियर है, जितने भी टाइप थे कोडिंग एंड डिकोडिंग के वो मैं आपको करा चुकी हूँ. ठीक है, सारे हो चुके हैं, अब रह गई है सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराना बाकी है. अब उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में. इतने आप जितना भी मैंने आपको पढ़ाया, जितने भी टाइप करें तो बहुत ईजी टाइप थे. ठीक है, क्वेश्चंस करना तो अभी बाकी है मेरे दोस्त. ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस हम करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में. उसके लिए आप तैयार रहिए, प्रिपेयर रहना, क्योंकि मैं क्वेश्चंस ऐसे पूछूंगी जो आपके मिक्स होंगे, कि हो सकता है कोई एक टाइप का और कुछ दूसरे दोनों टाइप को मिक्स करके मैं क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ आपसे. तो तैयार रहिए, इतने आप पढ़ते रहिए, मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में. इतने ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू.